स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे, ओके। स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस का क्या मतलब होता है? जैसे कि हमने प्रॉस्पेक्टस में पढ़ा कि कंपनी प्रॉस्पेक्टस इशू करती है ताकि पब्लिक जो है कैपिटल इन्वेस्ट कर सके बाय सीइंग द प्रॉस्पेक्टस ऑफ द कंपनी। बट अगर कोई पब्लिक कंपनी वो नहीं चाहती, वो इनवाइट नहीं करना चाहती पब्लिक को कि आप उनके शेयर को आके खरीदो, तो वो प्रॉस्पेक्टस नहीं इशू करेगी। तो इस केस में होता ये है कि पब्लिक कंपनी हैविंग शेयर कैपिटल नीड नॉट फाइल एंड पब्लिश अ प्रॉस्पेक्टस इफ इट्स वांट टू रेज इट्स कैपिटल प्राइवेटली विदाउट पब्लिक नोटिस। अगर पब्लिक कंपनी चाह रही कि वो प्राइवेटली कैपिटल को रेज करवाए, तो वो प्रॉस्पेक्टस नहीं बनाएगी, वो क्या बनाएगी, स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस बनाएगी और कैपिटल को रेज करेगी। इस केस में क्या होता है, इट मस्ट फाइल अ स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज एट लीस्ट 3 डेज बिफोर द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स के 3 दिन पहले रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी को जाके उसे बताना होगा कि आई विल नॉट मेक द प्रॉस्पेक्टस, आई विल इशू स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस बिकॉज आई डोंट वॉन्ट पब्लिक मनी, आई डोंट वॉन्ट पब्लिक फंडिंग, आई वॉन्ट टू रेज माई कैपिटल प्राइवेटली। वो प्राइवेटली अपनी कैपिटल को रेज करना चाहती है। एंड इट मस्ट बी ड्यूली साइंड बाय ऑल द डायरेक्टर्स, यहाँ पर सारे डायरेक्टर की सिग्नेचर होगी, एंड शुड बी डेटेड एंड शुड इंडिकेट व्हेन इट वाज डिलीवर्ड टू द रजिस्ट्रार, सारी चीज़ें मेंशन होंगी। देन स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस शुड बी इन द फॉर्म सेट आउट इन पैरा 1 ऑफ शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। कंपनी एक्ट 2013 के तहत जिस तरह से उन्होंने रूल बनाया है पार्ट 1 शेड्यूल 3 में, वैसे ही स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस जो है इशू होगा। एंड कंटेंट ऑफ दीज स्टेटमेंट आर मोर और लेस सिमिलर टू द कंटेंट ऑफ प्रॉस्पेक्टस, और जो स्टेटमेंट इन ली ऑफ का कंटेंट होता है वो प्रॉस्पेक्टस की तरह मोर और लेस होता है। स्टेटमेंट मे नॉट कंटेन एनी अनट्रू और मिस स्टेटमेंट्स, इसमें कोई अनट्रू और मिस स्टेटमेंट्स नहीं होंगी स्टेटमेंट इन ली में। प्राइवेट कंपनी नॉट रिक्वायर्ड टू आइदर फाइल अ प्रॉस्पेक्टस और स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस, लेकिन प्राइवेट कंपनी जो होती है उसको दोनों ही नहीं, किसी कुछ भी नहीं फाइल करना पड़ता रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास जाके। सारे प्रोविजन ऑफ द कंपनी एक्ट जो होते हैं वो एप्लीकेबल होते हैं टू प्रॉस्पेक्टस विद रिगार्ड टू रजिस्ट्रेशन, ऑल्टरेशन, लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट एक्सेट्रा आर इक्वली एप्लीकेबल टू द स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस एज वेल। मतलब जितने भी सारे प्रोविजन होते हैं ना कंपनी एक्ट के, वो एप्लीकेबल होते हैं टू प्रॉस्पेक्टस में भी और स्टेटमेंट इन ली ऑफ प्रॉस्पेक्टस में भी। और वो किससे रिगार्डिंग हो सकते हैं, रजिस्ट्रेशन से रिगार्डिंग हो सकते हैं, ऑल्टरेशन से रिगार्डिंग हो सकते हैं, या लाइबिलिटी फॉर अनट्रू स्टेटमेंट से रिगार्डिंग हो सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट हेडिंग इज मिनिमम सब्सक्रिप्शन। अब मिनिमम सब्सक्रिप्शन का क्या मतलब होता है, जब कोई भी कंपनी को एग्जिस्टेंस में आना होता है तो कंपनी को चाहिए क्या होता है कि जो कंपनी के शेयर हैं जो मार्केट में इशू किए गए हैं, पब्लिक उसके मिनिमम शेयर तो खरीद ही ले। जब मिनिमम शेयर बिक जाते हैं मार्केट में तभी कंपनी एग्जिस्टेंस में आ सकती है। अगर नहीं बिकेगा सब्सक्रिप्शन, मिनिमम सब्सक्राइब नहीं करेगी पब्लिक, तो फिर कंपनी का एग्जिस्टेंस में आना मुश्किल है। अ कंपनी मेकिंग एनी पब्लिक और राइट इशू ऑफ शेयर और डिबेंचर कैन नॉट मेक अलॉटमेंट ऑफ शेयर और डिबेंचर अनलेस इट हैज़ रिसीव्ड अ मिनिमम सब्सक्रिप्शन अगेंस्ट द प्रपोज्ड इशू ऑफ सिक्योरिटीज। द वर्ल्ड मिनिमम का क्या मतलब है, यहाँ पर नॉमिनल अमाउंट ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर एंड नॉट टू द अमाउंट पेबल ऑन एप्लीकेशन। देन सेबी की गाइडलाइंस है 90% जो है ना सब्सक्रिप्शन अगेंस्ट एन इशू मस्ट बी रिसीव्ड बिफोर मेकिंग द अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज टू द पब्लिक। पब्लिक सिक्योरिटीज जो भी अलॉट की गई है पब्लिक के, तो वो रिसीव कर लेना है उसे 90% सब्सक्रिप्शन तो। एंड इफ़ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज़ नॉट रिसीव्ड, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं रिसीव्ड हो पाया 120 डेज के अंदर, इशू ऑफ प्रॉस्पेक्टस इशू करने के 120 दिन के अंदर अगर नहीं इशू हो पाया, अगर मिनिमम सब्सक्राइब नहीं करवा पाई, 90% नहीं बिके शेयर, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मस्ट बी रिफंडेड
जो भी अमाउंट रिसीव किया है एप्लीकेशन के टाइम पे उसे क्या करना पड़ेगा, रिफंड करना पड़ेगा विद इन नेक्स्ट 10 डेज के अंदर जो है उन पब्लिक को रिफंड कर दो, क्योंकि 90% शेयर हमारी कंपनी के नहीं बिके 120 दिन के अंदर, तो जितने लोगों ने दिया है पैसा उनका पैसा 10 दिन के अंदर वापस कर दीजिए। एंड पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू इंश्योर दैट नो कंपनी बिगेन इट्स बिजनेस विदाउट ऑब्टेनिंग द मिनिमम अमाउंट ऑफ मनी रिक्वायर्ड टू मीट इट्स इनिशियल एक्सपेंसेस एंड वर्किंग कैपिटल। और कोई भी कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में आ ही नहीं सकती जब तक वो मिनिमम अमाउंट इतना ना कलेक्ट कर ले कि वो अपने इनिशियल एक्सपेंस और वर्किंग कैपिटल को पे ऑफ ना कर पाए ईजिली। वर्किंग कैपिटल मीन्स करेंट असेट्स माइनस करेंट लाइबिलिटीज। तो अमाउंट ऑफ मिनिमम सब्सक्रिप्शन इज फिक्स्ड बाय द डायरेक्टर्स, और मिनिमम सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो है वो डायरेक्टर फिक्स कर देते हैं, और ये नेसेसरी है कि टू कवर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। क्या क्या रिक्वायरमेंट्स फुलफिल होनी चाहिए? प्रीलिमिनरी एक्सपेंस, मतलब इतना पैसा इकट्ठा हो जाए मिनिमम सब्सक्रिप्शन से, इतना पैसा आ जाए कि कंपनी अपना प्रीलिमिनरी एक्सपेंस मीट आउट कर ले, अंडरराइटिंग कमीशन पे कर दे, वर्किंग कैपिटल का मीट आउट हो जाए, देन कॉस्ट ऑफ एनी प्रॉपर्टी परचेज टू बी परचेज, आफ्टर दैट पेमेंट ऑफ एनी मनी बोरोड फॉर द अबव पर्पस, देन एनी अदर पर्पस, एनी अदर नेसेसरी एक्सपेंडिचर को भी वो कंप्लीट कर ले। उसके बाद यहाँ पे प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस की मीनिंग दी हुई है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस वो इंसिडेंटल खर्चे होते हैं टू द फॉर्मेशन ऑफ कंपनी के टाइम पे जो लगते हैं, एंड दे आर ट्रीटेड एज फिक्टिशियस असेट्स, हम इनको मानते हैं। और फिक्टिशियस असेट्स वो होते हैं जो बेकार के असेट्स होते हैं, मतलब जिनकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं होती है। ये राइट ऑफ हो जाते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है ये धीरे धीरे इसको राइट ऑफ करते जाते हैं हम लोग, मतलब निकालते जाते हैं। जैसे मान लीजिए 10 लाख रुपए का खर्चा हुआ, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हुआ, तो अब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपीज़ जो है टू में डेबिट में दिखा देंगे 1 लाख, फिर उसके बाद दूसरे साल फिर 1 लाख दिखा देंगे। तो इससे होगा ये कि हर साल जो है 1 लाख राइट ऑफ हो जाएगा, तो आने वाले 10 सालों में प्रीलिमिनरी एक्सपेंस खत्म हो जाएगा। तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस इंक्लूड द फॉलोइंग एक्सपेंसेस, अब इसमें क्या क्या खर्चे आते हैं। पहला ये आ गया कि कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग द मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का खर्चा, मतलब जितना मेमोरेंडम एंड आर्टिकल को प्रिंट करवाने में जो खर्च लगा है वो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस है। देन कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग प्रिंटिंग एंड सर्कुलेटिंग द प्रोस्पेक्टस, आफ्टर दैट कॉस्ट ऑफ रजिस्टरिंग द कंपनी, फाइलिंग ऑफ डॉक्यूमेंट, स्टैम्प ड्यूटी, फीस, देन कॉस्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एग्रीमेंट्स के जो खर्चे हो रहा है जो भी एग्रीमेंट का है, देन कॉस्ट ऑफ प्रिपेयरिंग एंड प्रिंटिंग एप्लीकेशन फॉर्म, लेटर ऑफ अलॉटमेंट एंड शेयर सर्टिफिकेट, लास्ट फीस ऑफ वैल्यूअर फॉर रिपोर्ट्स एंड सर्टिफिकेट्स। तो ये सारे खर्चे होते हैं। ओके, अब आप लोग स्कैनिंग द प्रॉस्पेक्टस पढ़ लीजिएगा, नेक्स्ट क्लास में हम आप लोगों के साथ समरी डिस्कस करेंगे। ओके।